स्वागत है आपका सिनेस्पिक्स में और मैं हूं दिव्यांशी। निर्जा में अभी द्वारा एक गुंडे से तीखी नोक झोंक हो जाती है। वह निर्जा को अपनी सुरक्षा का आश्वासन देता है और अपनी बंदूक दिखाता है। त्रिशूल पकड़े हुए निर्जा शक्ति के इस दिन अपने जीवन खत्म करने के कसम खाते हुए गुंडों को संबोधित करते हुए दुर्गा माँ जैसी आभा बिखेरती है। जैसे निर्जा सतर्क हो जाती है और दूर हट जाती है तो भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अभीर उसके बलिदान और निर्जा के वास्तविक स्वरूप पर विचार करता है। एक महिला उनकी वीरता के लिए आभार व्यक्त करते हुए उसके गालों को चूमती है। पुलिस आती है, लड़कियों को बचाती है और अभीर निर्जा की तलाश करता है। वह उसकी बातें याद करता है और चला जाता है, जबकि शेफाली मीडिया के सवालों का जवाब देती है। इस बीच किसी ने निर्जा पर बंदूक तान दी है और गुंडों ने दीवून को निशाना बनाया, जो खतरे को महज एक खिलौना कहकर खारिज कर देती है और दावा करती है कि वह अपरिवर्तित बनी हुई है। दादा भाई उसकी दृढ़ता को स्वीकार करते हैं, लेकिन बाड़ी से मुखबीर को खोजने के लिए निकल जाते हैं। शेफाली निर्जा की बहादुरी की प्रशंसा करती है और उसे बताती है कि दादा भाई कोलकाता नहीं गए थे। निर्जा अपनी माँ की रिहाई का अनुरोध करती है और शेफाली इसे पूरा करने का वादा करती है, लेकिन चेतावनी देती है कि दीदुन माफ नहीं करेगी। बिजॉय और परिवार सजावट से आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि त्रिशा शादी के माध्यम से बिजॉय को प्रपोज करने की योजना बना रही है। अपना समय बर्बाद करने के लिए अभीर की आलोचना की गई है, लेकिन बिजॉय उसके नेक कार्यों की सराहना करते हुए कवरेज देखता है। मुनमुन त्रिशा को भड़काने की कोशिश करती है और स्टाफ उसकी कॉल को नजरअंदाज करने वाले अभीर का जिक्र करता है, लेकिन मौसमी मुनमुन को चुप करा देती है। स्टाफ ने अभीर के नेक काम के लिए उसकी प्रशंसा की है। निर्जा बाड़ी लौटती है और दीदुन को उसका इंतजार करते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। दीदुन नाचती है और निर्जा के ठिकाने के बारे में सवाल करती है, जिससे पता चलता है कि वह एक घंटे पहले लौट आई थी। निर्जा ने जोर देकर कहा कि वह पंडाल में थी, लेकिन दीदुन ने उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और उसे साबित करने के लिए कहा। निर्जा सजा स्वीकार करने को तैयार है, लेकिन सवाल करती है कि अगर उस पर विश्वास नहीं किया गया तो उसे वापस क्यों लौटना चाहिए। दीदुन ने उसे आखिरी परीक्षा के रूप में जलते कोयले पर चलने की चुनौती दी है। वह क्या निर्जा जलते कोयले पर चलेगी और अपने आप को साबित कर पाएगी?